क्वेश्चन नंबर 12 ये हमसे कह रहा है कि एक परिवार में दो बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? दो। तो ये प्रतिदा समष्टि बन जाएगा कि दो बच्चे हैं। तो कह रहा है ये आपको ज्ञात करना है कि दोनों बच्चों को लड़की होने की सप्रतिबंध पूछ रहा है। या दो सवाल इसमें दिया गया, पहला कह रहा है कि अब सबसे छोटा बच्चा कहाँ हो लड़की है, और या फिर कहता है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। तो ये बताओ जब दो बच्चे हैं एक लड़का एक लड़की है तो कितने प्रतिदा समष्टि बनेंगे? तो बनाने के लिए यहाँ पर बना देते हैं, तो हो सकता है कि पहला लड़का हो तो दूसरा लड़की हो। देखो लड़का को सन लिख देते हैं, लड़की को गर्ल, या पहला गर्ल हो तो दूसरा सन हो, या दोनों गर्ल हो या दोनों सन हो। कितने कंडीशन हुए? चार कंडीशन बनेंगे। नहीं पहले तो प्रतिदर्श दिखाना है ना, दो बच्चे हैं तो दो बच्चे के लिए कंडीशन इतना होगा, तो पहला लड़का हो गया दूसरा लड़की हो गई, या लड़की हो गई तो लड़का, या दोनों लड़कियाँ हो गए, तो चार हो गए पूरा। टोटल कितने हो गए? चार। देखो प्रतिदर्श समष्टि जो है टोटल कितने आपके पास हो गए? चार हो गए। ठीक है, ये ज्ञात करना है दोनों बच्चों को लड़की होने का, यानी आपको ज्ञात क्या करना है कि दोनों बच्चों जी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? जी। आई एफ क्या है? सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, तो वो ई एफ में वही लिखेंगे जो छोटका में कहा हो लड़की हो। तो हो सकता है कि यहाँ पर पहला यस हो तो दूसरा जी, ये भी तो हो सकता है जी हो, क्योंकि यहाँ पर दूसरा का लड़की होना चाहिए। तो यहाँ से पी एफ का मान तो निकाल ही लेंगे ना, दो बटा क्या हो गया? चार। दो बच्चे हैं इसमें। और अब देखना है यहाँ से एक चीज़ और निकालो, पी सर नीचे चली जाता है, पहला को हल कर दें, पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में कितना मैच किया? एक मैच कर रहा है ना जी, तो एक बटा क्या हो जाएगा? चार हो गया। यहाँ से पी ई बाई एफ, क्योंकि ई हमको निकालना है तो ऊपर ही रखना पड़ेगा, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ नीचे पी एफ, तो पी इंटरसेक्शन एफ की जगह पर रख सकते हैं एक बटा चार, और नीचे पी एफ का मान, पी एफ का मान दो बटा चार, चार से चार कैंसिल, एक बटा चार हो गया। समझ में आया? अच्छा यहीं पर सेकेंड भी लगा देते हैं, सेकेंड को भी हल कर देते हैं कि यहाँ ये ज्ञात है न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो वह भी लिख लेंगे, जी बी वाला भी लिख लेंगे, आ बी जी भी लिख देंगे, आ जी भी लिख देंगे, माने एक बच्चा लड़की होना ही चाहिए। तो एक तो लड़की यहाँ भी, एक लड़की यहाँ भी, दो भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ अगर यहाँ से आप ये तो मान हल है, इसके अब हल करेंगे तो यहाँ से पी एफ निकालिएगा तो तीन बटा चार आएगा, क्योंकि तीन इसको मैच कर रहा है, तो यहाँ से पी ई बाई एफ निकाल लीजिए। ठीक है, तो पी इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, बताइए इंटरसेक्शन एफ में दोनों में कितना मैच कर रहा है? यहाँ पर एक है ना, ई में एफ में है ना एक, चलो एक ही तो मैच कर रहा है, एक बटा चार, इसका एफ में कितने हो रहे हैं? तीन, तीन बटा चार, चार से चार कैंसिल हो गया। सीखे? इसमें दम है नहीं, खाली बस तनिश दिमाग का यूज करना, नोट कर लो इसको।